फैमिली, वेलकम बैक टू माय रेनबो वर्ल्ड। तो आज मैं बात करने वाली हूँ फेस रेजर के बारे में, क्योंकि फेस रेजर एक ऐसा मतलब है ना प्रोडक्ट जिसके को लेके काफी लोगों के मन में काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं। बहुत सारे जो बिगनर्स है और जो बिगनर्स नहीं भी है उनके माइंड में ये ख्याल आता है कि अरे अगर हमने फेस रेजर यूज किया तो हमारे हेयर ज्यादा तो नहीं आ जाएंगे, मेंस की तरह तो नहीं आ जाएंगे, या फिर कितने जल्दी जल्दी फास्ट ग्रोथ होगा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए और आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाए, क्योंकि अभी वो राइट टाइम है, क्योंकि मैं 1 ईयर से इसे यूज कर रही हूँ। तो मैंने सोचा क्या इसके इफेक्ट्स होते हैं या साइड इफेक्ट्स है, तो उसका वो आपके साथ पूरा शेयर करूँ, और कौन सा फेस रेजर अच्छा होता है कौन सा नहीं होता है वो भी आपके साथ शेयर करूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूंगी मेरी कि मैंने फेस रेजर कब से यूज किया। तो मैं 1 ईयर से यूज कर रही हूँ, और फेस रेजर 1 ईयर काफी होता है एक अच्छा नॉलेज देने के लिए कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट आपको भी बताऊं इससे क्या क्या चीजें अच्छी है क्या क्या नहीं अच्छी है, बेनिफिट एंड साइड इफेक्ट्स मैं आपको बताऊं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी फेस रेजर कौन सा यूज करना चाहिए, क्योंकि काफी लोगों को मतलब पता नहीं है, कंफ्यूजन है। जैसे हम जो लेग्स पे और हैंड्स पे यूज करते हैं रेजर, जो मेंस लोग दाढ़ी यूज करते हैं वो रेजर नहीं यूज करना है आपको फेस पे। फेस का रेजर डिफरेंट आता है, वो कुछ इस तरह का होता है फेस रेजर, और ये ना बहुत चीप रेट में भी मिल जाता है आपको, 3-3 या फिर 1 मतलब ऐसे मिल जाता है। तो मैं इसका कॉस्ट नहीं बता पाऊंगी, ये अलग अलग ब्रांड्स के हैं, बिकॉज क्योंकि मैंने सब सिमेटिन से ट्रायल में मंगाया है, 1 ट्रायल 2 ट्रायल में ऐसे मंगाया है, तो एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगी। तो फेस रेजर कुछ ऐसे टाइप का होता है, ये आप माइंड में रखिए। और दूसरा क्वेश्चन, क्या आपको इसे यूज कैसे करना चाहिए? तो आपको इसे यूज करना चाहिए ऐसे, आपको सबसे पहले तो डायरेक्ट फेस पे नहीं अप्लाई करना है, आपको अच्छे से एलोवेरा जेल ऑल ओवर फेस अप्लाई करना है, उसके बाद में आपको ऐसे करना है ऐसे, और फिर डाउन साइड पे करना है, आपको अप साइड पे नहीं करना है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको ऐसे करना है, ओके? और आईब्रो पे अगर आप प्रो हो तो ही आप यूज करिए, अदरवाइज मत करिए, मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगी। मैं करती हूँ क्योंकि मुझे हैबिट हो गया है, क्योंकि मैंने आईब्रो देखो मैंने इसी से बनाया है, मैं क्योंकि मुझे आदत हो गई है। जिसको नहीं है वो मत करिए, क्योंकि आईज का जो एरिया होता है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, कट्स भी हो सकता है, क्योंकि बहुत केयरफुल होकर करना पड़ता है, या फिर आपके उड़ भी सकता है। तो आप इस पार्ट को छोड़ के आप पूरा फेस पे ऑल ओवर यूज कर सकते हो, तो आप ऐसे करके ही करिएगा। तो दूसरा ये यूज कैसे करना है। तीसरा, मन में आपके डाउट होगा क्या फेस, मतलब हमारी जो आंटीज होती है या दादी नानी पहले से ये बोलते आ रहे हैं, मेरे साथ भी ऐसे है कि अगर आप फेस रेजर यूज करोगे फेस पे या अपर लिप्स पे तो आपके मेंस की तरह दाढ़ी आ जाएंगी, मूछें आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। फर्स्ट जब मैंने किया ना, पहले मैंने आईब्रो के लिए लिया था ये फेस रेजर, जब मैंने हिम्मत करके जब किया तो मुझे लिटरली ये मन में हो रहा था, और यार ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे हो रहा था। लेकिन जब मैंने एक्सपीरियंस किया तो मुझे पता चला ऐसा कुछ नहीं होता, जो आपका एक्चुअल हेयर ग्रोथ होगा ना वही हेयर ग्रोथ आपको होगा, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ नहीं होगा आपको। जो और जो टाइम पे आपका होता है ना, जैसे मान लीजिए अगर अब मुझे हेयर ग्रोथ 1 वीक में एक बार अपर लिप्स हो जाते हैं, ये फेस के तो और टाइम लगता है, तो वैसे ही मेरा होता है, ऐसे नहीं कि तुरंत अब मैंने आज किया तो 2-3 दिन में मुझे आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हेयर ग्रोथ पे डिपेंड करता है आपकी हेयर ग्रोथ कितनी फास्ट होती है। तो अगर आप जानते हो, जैसे आप आईब्रोज करते हो अपर लिप्स करते हो, तो आपको पता होगा कि कितनी जल्दी ग्रोथ होती है, तो उतना ही टाइम लगेगा। और अगर आप बिगनर्स हो तो एक बार करवाने के बाद आपको पता ही चल ही जाएगा कि आपके कितने दिन में होता है। तो फेस रेजर यूज करने से या थ्रेड यूज करने से उतने ही टाइम में हेयर ग्रोथ होगा, तो ऐसे कुछ नहीं होगा, मेंस जैसे नहीं आएंगे। अगर किसी के मैंने देखे हैं जिनके लिटरली ऐसे दाढ़ी जैसे शो होते हैं, यहाँ पे बहुत हेयर्स होते हैं, तो वो उनका नेचुरली है, तो वो वैसे है तो वैसे ही आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने रेजर यूज किया था। मैंने कितने लोगों को देखा है जो रेजर नहीं, बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं, या इवन वो वैक्सिंग वगैरह कुछ भी नहीं करते, उनके साथ भी ऐसे होता है। तो मैं ना वैक्सिंग से, मतलब बहुत लोगों को मैंने देखा है फेस पे भी वैक्सिंग करते हैं उससे, या थ्रेड यूज करते हैं उससे, बेटर मुझे लगता है ना आप फेस रेजर यूज करिए, क्योंकि थ्रेडिंग से भी है ना वो जोर से खींचते हैं ना, तो कभी कभी ब्लड आ जाता है, सेंसिटिव स्किन होती है, मेरे साथ आईब्रोज पे होता है, इस वजह से ही मैं चाहती थी कि मैं कुछ ऐसे यूज करूं। फिर मैं प्लकर से करने लगी, प्लकर से मुझे नहीं जम रहा था एक एक करने के लिए, तो फाइनली फेस रेजर से मैं करने लग गई, तो मुझे अभी ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है, तो मेरा हमेशा कट्स हो जाते थे। तो ये
ये काफी लोगों के साथ होता है जिनकी सेंसिटिव स्किन है, तो मैं तो बोलूंगी थ्रेड से अच्छा मुझे लगता है फेस रेजर ही है। अगर आप फेस पे यूज कर रहे हो तो आप थ्रेडिंग या वैक्सिंग ऐसे कुछ मत करवाइए फेस पे। और वो वैक्सिंग तो बोलते ना छोटे छोटे बॉल्स आ जाते हैं आपके ना हैंड पे, तो यहाँ पे भी आते ही होंगे, जिसकी वजह से एक रीजन होता है ना आपके फेस पे पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं। और दूसरा चीज, अगर आपने फेस रेजर किया जस्ट अभी, सपोज दैट आपको कहीं जाना नहीं है ना, तब आप एक दिन पहले करिए। अभी जैसे मुझे आज मेकअप करना था तो मैंने कल इसे फेस रेजर कर लिया और आज मैंने मेकअप किया। फेस रेजर करने के बाद तुरंत आप मेकअप मत करिए, क्योंकि क्या होता है ना आपके पोर्स खुले होते हैं, अगर आप मेकअप करोगे तो वो पोर्स ऑब्जर्व कर लेंगे, तो जिसकी वजह से भी एक पिंपल आने के कारण मतलब रीजन होता है। क्योंकि काफी लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे फेस रेजर यूज करने के बाद मुझे पिंपल्स आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो आप ये मिस्टेक करते होंगे। तो जब भी आप है ना फेस रेज कर रहे हो ना, तो आपको क्या करना है, एलोवेरा जेल लगाना है। उसके बाद में जब आप फेस रेज पूरा कर लोगे, अच्छे से क्लीन कर लोगे, उसके बाद में आपको वॉश करना है फेस और मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं अप्लाई कर रहे हो तो आप हल्दी का जो पेस्ट होता है ना उसको लगा के थोड़ा देर रब करिए, सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, सबसे बेस्ट। ये मैं 2-3 बार मैंने इसे किया हुआ है, सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। हल्दी से बहुत एंटीसेप्टिक होता है तो वो बहुत अच्छा होता है। हल्दी तो कभी नुकसान नहीं करेगा आपके फेस को, तो जब आपके पोर्स खुले होते हैं आप हल्दी अगर लगाते हो तो और भी अच्छा है। और मैंने हल्दी से सुना है, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है, सुना है उससे भी ना हेयर ग्रोथ लेट होता है, मतलब ऐसे मैंने सुना है। और फेस रेजर को लेकर मतलब आपकी जो भी डाउट्स और भी कुछ होंगे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो जितने जो मेजर डाउट्स है ना वो मैंने क्लियर कर दिए। क्या आपको ऐसे कुछ माइंड में होगा, जो बिगनर्स होंगे स्पेशली, फेस रेजर यूज करना चाहिए कि नहीं, तो डेफिनेटली आप जा सकते हो फेस रेजर के लिए। फेस रेजर यूज करने से क्या होता है ना, आप मतलब फेस के हेयर्स आपके निकल जाते हैं, उसके बाद जो आपका मेकअप होता है ना बहुत फ्लॉलेस लगता है। एज यू कैन सी आप मेरा मेकअप देख सकते हो, आज बहुत ज्यादा फ्लॉलेस लग रहा है। मतलब अगर आपके हेयर किसी किसी को ज्यादा होते हैं, मेरे तो इतने हेयर ग्रोथ नहीं है, लेकिन किसी किसी के ज्यादा होते हैं, जब आप मेकअप करो ना वो हेयर्स पे चिपक जाते हैं या अच्छा नहीं दिखता है। तो अगर आपका हेयर फेस क्लीन होता है ना, तो उस पे बोलते हैं ना अगर आपका कोई क्लीन चीज है उस पे पेंट करो तो बहुत अच्छा लगता है। तो वही हाल फेस का भी है, अगर आप उसको अच्छे से क्लीन करो तो आपके फेस पे मेकअप बहुत अच्छा और बहुत फ्लॉलेस लगेगा। तो ये चीज है, तो ये आप कर सकते हो। फेस रेजर यूज करना से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आप फेस रेजर कौन सा यूज कर रहे हो वो भी मैटर करता है, क्योंकि समटाइम्स कुछ कुछ फेस रेजर ना बहुत हार्श होते हैं। अब जैसे मैं 3 यूज कर रही हूँ, तो ये वाला जो बॉम्बे शेविंग कंपनी का जो फेस रेजर है ना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, क्योंकि ये जो है ना ये बहुत हार्श है, मतलब इससे ना ऐसा लगता है कट्स हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल नहीं अच्छा है। सबसे बेस्ट सिरोना का है, और ये प्लश का अभी मैंने एक ही बार यूज किया है। ये बॉम्बे शेविंग कंपनी का तो मुझे नहीं इतना अच्छा लगा, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा, क्योंकि ना उससे मोस्ट ऑफ ऐसे ना हार्श फीलिंग आती है मुझे फेस पे, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा जलन हो रही है उसको करने के बाद, या कट्स होने के ज्यादा चांसेस लगते हैं, मतलब रफ लगता है मुझे, ज्यादा क्लीन नहीं लगता है। तो आप ये चीज भी ख्याल रखिए, देखकर अच्छे से अच्छा वाला फेस रेजर यूज करिए। तो मैं फेस रेजर को ये कहूंगी ना गाइस, अच्छा है, गो फॉर इट। अगर आपको करना है तो ऐसे कोई ये नहीं है कि आपको करना ही है, अगर आप करना चाहते हो तो ये कोई माइंड में ये रखिए कि ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं है, आप कर सकते हो। तो आई होप फेस रेजर की जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है उसके रिगार्डिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेरा वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।